निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। इंदौर में कोरोना संक्रमण का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने मिलकर शहर के प्रमुख चौराहों पर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी कई लोग कोरोना वायरस से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने आम जनता से अपील की है कि लोग कोरोना के खिलाफ जंग में अपना पूरा सहयोग दें और मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, क्योंकि इसी के आधार पर कोरोना से सुरक्षित रहा जा सकता है। वहीं नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि यदि लोग जागरूक नहीं हुए तो शहर एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है। चूंकि आप सभी लोगों ने देखा कि विगत दिनों में इंदौर के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो सभी लोगों से अपील है कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, बनाए रखें। नगर निगम की टीम ने इस बार एक विशेष प्रयास किया है कि हमारे सभी 19 जोन्स में हमारे 19 ई रिक्शास चल रहे हैं, जिसमें अनाउंसमेंट है और निगम की टीम के मेंबर्स भी बैठे हुए हैं जो लगातार रोको टोको करते हैं, लोगों को बताते हैं, दूरी बनवाते हैं। इस तरीके का काम हम लोगों ने शुरू किया है और उसके बाद भी अगर कोई लोग नहीं है जो इसका पालन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ पेनल्टी की कार्रवाई भी की जा रही है। मुझे अपेक्षा है कि कोविड के साथ रहते हुए हमें लगभग 3 से 4 महीने का समय हो गया है और हम सभी लोग जानते हैं कि इन दो चीज़ों का प्रयोग करके, सिर्फ मास्क और फिजिकल डिस्टेंस, ये दो चीज़ों को मेंटेन करके अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो आप सुरक्षित घर वापस जाएंगे।